सलाम अलैकुम, बात करो भाई। जी हेलो, सलाम वालेकुम। जी जनाब। सलाम वालेकुम। अल्लाह अलैकुम अस्सलाम। ये सब हम बॉम्बे से बोल रहे हैं, इंडिया से। अगर हुक्म करें भाई। जी हमारा एक सवाल था कि जनाब। ये अब्दुल कादिर जिलानी जो बगदाद के, इनके बारे में हम क्या रवायत मिलती है? हम मतलब शरी, हम लोग ये इस शख्स को क्यों गलत कहते हैं? मतलब क्या कोई रवायत है या कुछ? पीछे हमारे मतलब अक्सर हमारे जो वो सर्कल मुनहरिफ है था अहले बैत अहले अलैहिम सलाम से, मुनहरिफ सूफी अहले बैत अलैहिम सलात व सलाम का सूफियों से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा ये अच्छा, हमारे यहाँ अक्सर ये एक बात बात बताई जाती है कि इसने कौले इमाम को झुठलाया था, तो ये तो इमाम के मुझे नहीं दौर में भी मालूम नहीं था, ये तो करीब। जी तो बाद में जुटाया होगा, मुझे नहीं मालूम उसका। बहरहाल हमारे पास जो रिवायात हैं सूफियों के मुताल्लिक, सूफियों को अहले बैत अलैहिम सलाम ने लानत की है और शियों को हुक्म दिया है कि अहले तसव्वुफ अहले इरफान से बचे रहें। अच्छा, ये बात है। बहुत ये लोग अपने दौर के सूफी थे, मतलब जैसे कि। बड़ा सूफी है अबू कादर जिलानी। ओके अच्छा जी अच्छा तो वही। हाँ जनाब, सलाम अलैकुम। बात करें भाई, पाकिस्तान। बात करो भाई। वालेकुम सर। वालेकुम अलैकुम अस्सलाम। सर। ये जी सर, मैं हबीबुल्ला बात कर रहा हूँ पाकिस्तान से, सिंध से। कौन? हबीबुल्ला सर, हबीबुल्ला बात कर रहा हूँ पाकिस्तान। जी जनाब। सर ये सवाल है मेरा कि मैं जगह काम करता हूँ जहाँ पे सारे उम्र ही लोग हैं, तो वहाँ पे मैं नमाज में खास शफा जो है वो नहीं रख, फिर मैंने अहादीस में एक किताब यहाँ पे लिखी है, जो अपने मसले मसाइल हैं वो अहादीस वो जो है लिखते हैं यहाँ पे। बाकी मेरे साथ जो भी साहब हैं पाकिस्तान में, उन्होंने तो उसमें मैंने पढ़ा है कि आप तो अगर वो सजदागाह न रख सकते हों तो फिर आप अपनी हथेलियों पर सजदा करें। हेलो हाँ, तो वो मैं इस तरह करता हूँ, तो वो इसमें कोई इश्काल तो नहीं है? हथेली पे अब मुझे अभी मेरे जहन में नहीं है वो हदीस और रिवायत, मेरे जहन में नहीं। ठीक है ना, सर मैंने वो पढ़ी है, मैं खाक पे मट्टी तो पे, खाक पे मट्टी पे तीन बिल्कुल। चीज़ें पे हैं, तीन चीज़ें हैं जिसमें शफा पैदा नहीं हो सकता, खाने की चीज़ें, पहनने की चीज़ें और जो मादन की चीज़ें हैं, मिनरल्स हैं जैसे सोना चांदी, इस तरह की चीज़ें, उन पर सजदा नहीं किया जा सकता। बाकी आप हर चीज़ पर सजदा कर सकते हैं। ठीक है ना, तीन चीज़ें, खाना, लिबास और जो मादनी चीज़ें हैं, बाकी चीज़ों पे आप सजदा कर सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, ये जो है जो वीटा हेवर्ड है आपका, इन्होंने उनकी मैरिज हुई है आगा खान, जो मौजूदा आगा खान है, प्रिंस करीम आगा खान, इसके वालिद अली आगा खान साहब के साथ इनकी मैरिज, इसके वालिद जो हैं अली आगा खान, उनके साथ उन्होंने शादी किया था और शादी के बाद